सो फाइनली गाइज वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज अभी यही क्वेश्चन आ रहा है क्या भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट्स एक्सटेंड होगी कि नहीं, सी ई टी से डेट एक्सटेंड करेगा कि नहीं, क्योंकि गाइज अभी अगर आप देखोगे अभी तक आपका ई वेरीफिकेशन जिन्होंने भी डाला था उनका ई वेरीफाई होके मिला नहीं है। सो ई वेरीफिकेशन वाले के 8 से 9 दिन हो गए, अब तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं हुए। सो गाइज अभी ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि इस साल सी ई टी सेल अपना 1 से 2 दिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सटेंड करे, क्योंकि एवरी ईयर अगर आप देखोगे लास्ट ईयर भी 15 दिन मिले थे, इस साल आपको सिर्फ 10 दिन मिले, और 10 दिन में भी अगर आप देखोगे तो पहले 2 दिन में तो उन्होंने एफ सी सेंटर की लिस्ट ही प्रोवाइड नहीं की थी, तो वो 2 दिन तो वेस्ट चले गए। तो मान के चलो जो आपके पास इंपॉर्टेंट डेज थे वो सिर्फ 8 डेज थे, क्योंकि पहले 2 दिन तो आपके ऐसे ही वेस्ट चले गए, एफ सी सेंटर आपको मालूम ही नहीं था। सो गाइज सी ई टी सेल को डेट्स एक्सटेंड करनी चाहिए, और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सी ई टी सेल से भी कि आप प्लीज़ अपने डेट्स एक्सटेंड करो और ई वेरीफिकेशन वालों को जल्दी से ई वेरीफाइड करो, क्योंकि अभी तक वो लोग वेटिंग में ही है, अभी तक उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। और अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो और पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आसपास के एफ सी सेंटर विजिट करके आ सकते हो, तो प्लीज़ ई वेरीफिकेशन से आप फिजिकल वेरीफिकेशन में कन्वर्ट करो और आसपास के सेंटर में जाके विजिट करो, क्योंकि आप फिजिकल वेरीफिकेशन में जाओगे जैसे ही आपका नंबर लगेगा 10 मिनट में आपको वेरीफाई होकर मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। सो फिजिकल वेरीफिकेशन में बहुत जल्दी होता है और फटाफट होता है। सो अगर आपके पास अभी भी चांस है और अगर आप जा सकते हो एफ सी सेंटर, तो प्लीज़ अपना कन्वर्ट करो फिजिकल वेरीफिकेशन में और फटाफट फिजिकल वेरीफिकेशन करवा लो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लास्ट डेट कल है, कल आपको 4 जुलाई को 5 बजे से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट डे है और अभी तक कोई अपडेट्स आया नहीं है कि डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं, बट जैसे ही कोई अपडेट्स आ जाएगी तो मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज ये वीडियो का मेरा मेन यही था कि डेट एक्सटेंड होने के चांसेस हैं और हो भी सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 दिन बढ़ाना चाहिए सी ई टी सेल को, क्योंकि बहुत रश है। और अगर आप एफ सी सेंटर में भी जाओगे तो आज बहुत बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और कई सारे स्टूडेंट्स लाइन में हैं, सो रश बहुत है आज, तो सी ई टी सेल को डेट्स एक्सटेंड करनी चाहिए और फटाफट ई वेरीफिकेशन भी करना चाहिए स्टूडेंट्स का, क्योंकि ई वेरीफिकेशन वाले स्टूडेंट्स बहुत पैनिक में हैं, क्योंकि अब तक उनका वेरीफाई नहीं हुआ, समझ सकते हो आप। सो गाइज होप सो कि आप सबकी डेट्स एक्सटेंड हो जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है सी ई टी सेल से कि डेट्स एक्सटेंड कर दो, 2 से 3 दिन का डेट एक्सटेंड कर दो, और आगे की प्रोसेस भी आपकी अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म आएगा और फिर आपका कैप राउंड 1 शुरू होगा। सो ये रहेगी आपकी आने वाली प्रोसेस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और गाइज जो भी अपडेट्स आएगा तो मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, और अभी इंस्टीट्यूशनल राउंड भी शुरू हो चुके हैं, डीजे सांगवी में शुरू हो गए, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया अपनी चैनल पर, तो आप इस चैनल विजिट करके देखो। इस चैनल पर आप सबको सीईटी के रिलेटेड हर एक अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइज सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।